इंदौर में मेट्रो की शुरुआत मैंने की थी, मैंने ही उसका सर्वे करवाया था, पूरा प्लान मैंने ही तय करवाया। ये बात बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आगामी 14 सितंबर को मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा किए जाने वाले मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के शिलान्यास पर तंज कसते हुए कही। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कमलनाथ शनिवार 14 सितंबर को एक दिवसीय दौरे पर इंदौर आ रहे हैं। वे यहां MR10 पर टोल नाके के पास इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वे अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। कमलनाथ के प्रोग्राम की तैयारियों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ मची है, लेकिन जब मैं मंत्री था तब इंदौर में मेट्रो की शुरुआत मैंने की थी। सारा प्रदेश जानता है कि मेट्रो हमारी और भाजपा की देन है। वहीं कमलनाथ के मंत्रियों पर भी श्रेय लेने का आरोप लगाया। अभी तक कमलनाथ जी ने एक भी ऐसा काम इस मध्य प्रदेश में नहीं किया जो उनके नाम से अपन ले सके कि भी कमलनाथ जी ने किया। एक बहुत बड़ा काम किया, सिर्फ भ्रष्टाचार खूब बढ़ गया, ये कमलनाथ जी के नाम है। अब बाकी तो सब भारतीय जनता पार्टी के जितने डेवलपमेंट है सभी लोग अपना, इवन भारतीय जनता पार्टी के महापौर कुछ काम करते हैं इंदौर शहर में, तो मिनिस्टर चले जाते हैं उद्घाटन करने और बोले हमारा नाम भी लिखो, और एक मिनिस्टर नहीं तीन तीन मिनिस्टर पहुंच जाते हैं वहाँ। तो ये सिर्फ इसी प्रकार, उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसका श्रेय लेने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। मैं जब मिनिस्टर था तो मेट्रो की शुरुआत मैंने ही की थी, और मैंने ही उसके सब सर्वे वर्वे करवाया, उसका पूरा रोड मैंने बनवाया है, कहाँ कहाँ से निकलेगी मेट्रो ये पूरी मैंने करवाई। और उसके बाद फिर मैं जब दिल्ली चले गया उसके बाद टेंडर हुए, तो माया सिंह जी जब मिनिस्टर थे जब टेंडर हुए, तो सारा प्रदेश जानता है कि मेट्रो अगर देन है तो शिवराज जी की, भारतीय जनता पार्टी की, हमारी है। अब वो भले ही उद्घाटन उसका कमलनाथ जी करें पर देन तो ये भारतीय जनता। पूर्व की शिवराज सरकार में इंदौर में मेट्रो लाने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए गए, लेकिन कमलनाथ सरकार द्वारा अब इसके शिलान्यास करने पर सूबे की सियासत गर्मा गई। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय ने तीखे प्रहार कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।